जल जंगल जमीन के लिए उत्तराखंड के लोगों ने सदियों पहले भी कई लड़ाइयां लड़ी और आज भी इसके हक और संरक्षण के लिए उत्तराखंडी सरकार से लड़ रहे हैं। हालांकि ये बात अलग है कि अब लड़ाई की तस्वीर बदल गई है। लड़ाई अब सशक्त भू कानून के तौर पर लड़ी जा रही है, लेकिन मकसद आज भी उत्तराखंड की जमीन और वहां के जंगलों को बचाने का है। आजादी से पहले उत्तराखंड के लोगों ने जंगलों को बचाने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों से लड़ाइयां लड़ी और आज उत्तराखंड प्रदेश के अधिकारियों से जमीन और जंगलों को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। उत्तराखंड में डीजीपी रहे बीएस सिद्धू पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने सरकारी जमीन कब्जाई है और पहाड़ के लिए महत्वपूर्ण 25 साल के पेड़ों को काटा है। जानकारी के मुताबिक पूर्व डीजीपी सिद्धू ने वर्ष 2012 में मसूरी वन प्रभाग में वीरगिरवाली गांव में 1.5 हेक्टेयर जमीन खरीदी थी। इस जमीन से उन्होंने मार्च 2013 में साल के 25 पेड़ काट लिए। इसके बाद सूचना मिलने पर वन विभाग ने इसकी जांच करवाई तो पता चला कि काटे गए पेड़ जिस जमीन पर है वो वन विभाग की जमीन है और सिद्धू ने अवैध तरीके से जमीन खरीदी है, लिहाजा पूर्व डीजीपी पर रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। इस मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का क्या कहना है, आप भी सुन लीजिए। देखिए, उस पर हमारा स्पष्ट मत है कि किसी भी मामले में कहीं भी कोई इस प्रकार की शिकायत आती है तो उस पर जांच होगी और जांच के बाद कानून अपना काम करेगा, उसमें जो वैधानिक प्रक्रिया होगी वैधानिक प्रक्रिया पूरी तरह से की। आपको बता दें कि 2018 में एनजीटी ने बीएस सिद्धू पर इसी मामले को लेकर 46 लाख का मुआवजा भरने को कहा था। इस मामले में कई तथ्य को दबाने के लिए बीएस सिद्धू द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर शिकायतकर्ताओं पर उत्पीड़न करने का भी आरोप लगा है, जिसके बाद सवाल पैदा हो रहा है कि जब मामला इतना बड़ा है तो एनजीटी के फैसले के बाद भी सरकार को कार्रवाई करने में इतना समय क्यों लगा। क्या ऐसी ही धांधलियों को रोकने के लिए उत्तराखंड में कड़े भू कानून की मांग हो रही है? आपके पास इसका कोई जवाब हो तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देहरादून से अंकित शर्मा की रिपोर्ट।